एक अध्यापक क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बहुत ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके पूछे गए प्रश्नों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच एक छात्र बहुत गुमसुम बैठा हुआ था। अध्यापिका ने कुछ दिनों तक उस छात्र को ऐसे ही नोटिस किया। एक दिन उसे अपने कैबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास क्यों रहते हो? क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, कोई परेशानी है क्या? छात्र ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरे पास्ट में, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे परेशान करता है, समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। अध्यापक ने कहा, तुम शाम को मेरे घर आना। शाम को जब वह छात्र अध्यापक के घर पहुंचा तो उन्होंने उसे बिठाया और खुद रसोई में जूस बनाने के लिए चले गए। उन्होंने जानबूझकर उस जूस में ज्यादा नमक डाल दिया और फिर बाहर आकर जूस का ग्लास छात्र को देकर कहा, लो जूस पिए। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट पिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। अध्यापक ने पूछा, क्या हुआ, जूस पसंद नहीं आया? छात्र बोला, ऐसी बात नहीं है सर, बस जूस में नमक थोड़ा ज्यादा था। अध्यापक बोले, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ ग्लास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। अध्यापक ने छात्र से ग्लास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिला लेंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर अध्यापक गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब समझो कि यह जूस तुम्हारी जिंदगी की तरह है, इसमें घुला हुआ अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जिस तरह नमक को जूस से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर जूस का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी ही होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में मिठास खोलो। अध्यापक की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वो बीती बातों से परेशान नहीं होगा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अक्सर हम सब भी बीती बातों को याद करके बार बार दुखी होते रहते हैं और अपने वर्तमान पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इससे वर्तमान भी खराब हो जाता है और जीवन में समस्याएँ खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इसलिए जो हो गया उसे याद करने के बजाय वर्तमान पर फोकस करके उसे बेहतर बनाओ और नए पलों को सहेजो, ताकि जीवन में मिठास घुल सके और बुरे अनुभवों को भुलाया जा सके। धन्यवाद। यदि कहानी पसंद आती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।